एक हाफिज साहब के अलावा बाकी सारे जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं। रीबा नहीं है, हाफिज साहब नहीं है, और कौन नहीं आया हुआ? हिना आयाज नहीं है शायद। इधर देख लेते हैं मिस हिना को, अगर वो ज्वाइन कर लें, और रीबा को भी ट्राई कर लेते हैं। रीबा इज आई थिंक GCS 1866 है गालिबन। चलो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीन शेयरिंग एंड लेट मी सी व्हाट नीड्स टू बी डन। हाफिज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीन शेयरिंग एंड आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द प्रॉपर प्लेस। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर, विजिबल है। ओके, सो द वे वी आर गोइंग टू मूव ऑन इज हमारे पास इफेक्टिवली इस टाइम पे तकरीबन 4 वीक्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और हमें ऑल दो आई हैड बीन सेइंग, जब हम लोग ब्रेक पे गए थे तो मैं उस वक्त से आई हैड बीन ट्राइंग कि हम लोग किसी तरह अपने कोर्स को नहीं लेके जा सकें, लेकिन हमें हायर अप से इजाज़त नहीं मिल रही थी। दैट इफेक्टिवली सेट के सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेड के कोर्सेज लेके जाएं, और ग्रेड कोर्सेज की हमें क्लियरेंस इस वीक से ही मिली है। एक्चुअली अभी तक नहीं मिली है, इट्स जस्ट प्रॉबेबल कि आज हमें मिल जाएगी और फिर हम इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बट वी हैव ओनली 4 वीक्स, और 4 वीक्स में 7 वीक्स के कॉन्टेंट्स को कवर करना बहुत मुश्किल काम था। सो वट आई डन इज, एक तो आप लोगों को प्रोजेक्ट मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है? उसी प्रोजेक्ट के फेजेस थे, इश्यूज थे, और वो दैट इज गोइंग टू टेक, लेट से उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे, उसके ऊपर हम उसमें लर्निंग ज़्यादा है, उसमें हम ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ टॉपिक्स आपको उसको समझने के लिए चाहिए। जाहिर है कि प्रोजेक्ट का जो लेटर फेजेज हैं, स्पेशली जब आप थर्ड प्रेजेंटेशन में फाइलोजेनी प्रेजेंट करोगे, या उसकी जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली थोड़ी सी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और थोड़ा सा जो है आपको उसमें फाइलोजेनी की समझ होनी चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो लेटर ऑन जो आप प्रोजेक्ट के फेजेस हैं उनके लिए, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से जब मैं बात करता हूँ तो मैं बेसिकली टू फोल्ड उसमें बात करूंगा। एक तो होगी जाहिर है प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और एक उसमें होगा डेटा बेसिस जहाँ से हम डेटा उठा सकते हैं। जाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, वो डेटा है। और जो डेटा है, डेटा के लिए जाहिर है हमें खुद तो बना नहीं सकते, खुद तो कर नहीं सकते, वी नीड टू गो टू डेटा बेसिस और वहाँ से वेरीफाइड डेटा हम उठा लें और उसको यूज करें, ठीक है? तो आई विल पिक अप सम एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर स्पेशली, जिसमें मैं आपको डेमो दूंगा। आज के और कल के लेक्चर में इट वुड बी मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज डेमो, तो दो पैरेलल में चलेंगे, ठीक है? और वो इस लिहाज से आपको फायदा मंद होगा कि कल को आपको जब सीक्वेंसेस चाहिए होंगे, कल को आपने डाटा जब एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए यू कैन यूज दीज टू लेक्चर्स टू लर्न हाउ टू गेट डाटा, ठीक है? ओके, सो विद डैट आई थिंक वी कैन नाउ स्टार्ट विद द लेक्चर। अब बैकग्राउंड है आपके पास, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आप किस में करना चाहोगे? डू यू वांट टू बी इन कम्प्लीटली इन इंग्लिश, डू यू वांट टू बी मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, और डू यू वांट इट टू बी यू नो जस्ट उर्दू? जस्ट उर्दू तो मुश्किल होगा, लेकिन मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू हो सकती है, या फिर सिर्फ इंग्लिश हो सकती है, वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद। जैसे आपको आसानी हो। मुझे समझाने के लिए ज़्यादा आसान जो है वो प्योर इंग्लिश है, बट देन द इशू इज़ के जब प्योर आप इंग्लिश बोलो ना, तो उसमें कुछ जगहों पे यू गाइस गेट स्टक मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए आई थिंक आई यूज मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है? सही है, ओके okay. फिर हम स्टार्ट करते हैं, इफ एवरीवन इज क्लियर ऑन डैट, तो हम स्टार्ट करते हैं
लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. आई कैन जस्ट गो ऑन फुल स्क्रीन. ठीक है. और राइट. तो आज का जो एजेंडा है ना, इसमें कुछ चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट मैं आपको एक तरह का उसका रिविजन करवा रहा हूँ, सो डेट वी कैन काइंड ऑफ गो बैक टू द सेम टॉपिक एंड डिस्कस डेट. ठीक है. अब उसमें जो हमने डिस्कस किया था, जिससे हमने काम स्टार्ट किया था, इट वॉज बायोइनफॉर्मेटिक्स. वट इज बायोइनफॉर्मेटिक्स? फिर उसकी हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, कंप्यूटर साइंटिस्ट क्यों पढ़ते हैं, उसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, एकेडमिक एप्लीकेशंस, सम इंटरेस्टिंग केस स्टडीज एंड फाइनली द कंक्लूजन. ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में, जहां से मैंने आपको स्टार्ट करवाया तब ये करवाया था. ठीक है. और बायोइनफॉर्मेटिक्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इट वॉज द इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ बायोलॉजी. और अगर डिटेल्ड आप उसका देखो तो इट इज बेसिकली, इट रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा. नोट द वर्ड, बायोलॉजिकल डेटा की स्टडी है. सो इट्स द डेटा, अंडरलाइंग डेटा हैज टू बी बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कॉम्पिटिशनल टेक्निक्स एंड ऑप्शनली अप्लाइंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू इन्फर सम इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा और फाइंड पैटर्न्स इन डेटा. तो अगर आप इस सारी चीज में देखो तो हम बायोलॉजिकल डेटा को यूज करते हुए उसके ऊपर हम कंप्यूटेशनल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं एंड फाइनली वी आर एबल टू करेक्टराइज द डेटा. आप लोग जो काम अभी तक करते हैं इस कोर्स में, आपका सारा फोकस रहा है कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के ऊपर और टू सम एक्सटेंट करेक्टराइजेशन ऑफ डेटा के ऊपर. ठीक है. आपने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी, बेसिक इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स देखी और बायोलॉजिकल डेटा अभी तक हम एज्यूम करते हैं इट्स जस्ट स्ट्रिंग्स फॉर अस, इट इज जस्ट टेक्स्ट फॉर अस और इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग लेट से अपनी आगे PhD करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, या आप लोग जो हैं वो PhD अभी कर रहे हैं और उसमें कोई टॉपिक एक ऐसा चूज करते हैं, वन ऑफ योर पेपर्स, वन ऑफ योर सब्जेक्ट, वन ऑफ योर टॉपिक्स कुड बी इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, उसके अंदर आपको लाजमी तौर पे थोड़ी सी बायोलॉजिकल डेटा की समझ होनी चाहिए. और हमारे करंट लेक्चर, जो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर है, वो टोटली फोकस्ड है बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर. हाउ टू गेट द डेटा, वट इज द डेटा, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस डेटा. ठीक है. तो फॉर डेट अभी तक इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स था, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स था, अब हम फोकस कर रहे हैं बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर. सो टुडे विल बी अ लॉट ऑफ बायोलॉजी एंड टुडे एंड टुमारो बेसिकली, बट डेट विल बी इट. इसके बाद फिर बायोलॉजी आई एज्यूम कि आप लोगों को आती होगी एंड इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी होपफुली. ठीक है. सो जब हम बायोइनफॉर्मेटिक्स डिफाइन कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन यू थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस. वन वॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेटा एनालिसिस, वेयर वी गो फ्रॉम रॉ डेटा, क्लीन अप द डेटा एंड देन डू सम स्टैटिस्टिकल एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट. ठीक है. और ये टिपिकली बायोलॉजिस्ट इस तरीके से करते हैं, जिस तरह मैंने आपको सब भी बताया था. दे जनरेट सम रॉ डेटा, दे बेसिकली प्री प्रोसेस और क्लीन इट अप. ठीक है. उसमें से स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और जो भी करेक्टरिस्टिक उसकी इंटरप्रिटेशन आती हैं वो एज रिजल्ट उसको पब्लिश कर देते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट माइट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइज एज वेल. आप लोगों को रॉ डेटा मिल रहा होगा कहीं से, समवन इज एक्सट्रैक्टिंग द डेटा और आपने उसको यूजिंग योर ओन कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, आप लोगों ने उससे कुछ इन्फर करना होगा, कुछ रिजल्ट्स निकालने होंगे. सो दिस इज अगेन समथिंग दैट माइट कम अप. कोई आपको हो सकता है कोई दोस्त वगैरह कोई बायोलॉजिस्ट एंड ही इज गोइंग टू ऑफर यू दिस ऑप्शन. अच्छा, जो टिपिकली हमारा काम है, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जिस तरह कि आप इस कोर्स के अंदर भी जो प्रोजेक्ट है, इट्स गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है. और वो जो सॉफ्टवेयर है उनसे हम बायोइनफॉर्मेटिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो ये हमारी एक तरह का, जो भी बायोलॉजिस्ट जो अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दैट्स आवर मेन ब्रेड एंड बटर इन बायोइनफॉर्मेटिक्स. टिपिकली जाहिर है अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको हम जाहिर है पब्लिश करेंगे नॉर्मली एज इंडिपेंडेंट मेथड पेपर्स और वो फिर दूसरे साइंटिस्ट जिस तरह बायोलॉजिस्ट ऊपर लिखे हुए डेटा एनालिसिस के लिए वो टिपिकली इसको यूज करेंगे. जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन हैं यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर डेटा डेवलप्ड आर यूजली कमांड लाइन टूल्स या फिर इवन वेब एप्लीकेशन. ठीक है. तो अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन इज बीइंग डेवलप्ड, रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड, जो कि दिस इज व्हाट बायोइनफॉर्मेटिक्स इज फॉर अस गाइस. लेकिन इसको करने के लिए भी, इवन इफ यू हैव टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा क्या है. डेटा को समझोगे, डोमेन को समझोगे, देन यू कैन मूव ऑन. लेकिन मेजर पोर्शन बहरहाल इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है एंड दिस हैज बीन द फोकस ऑफ दिस कोर्स फॉर अस. अच्छा, देन वी कैन मूव ऑन टू द मॉडलिंग. मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इज बेसिकली
the state of the art thing for physicists and mathematicians, statisticians especially. और वो टिपिकली क्या करते हैं, वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम को पकड़ते हैं और उसको मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, और उसको जो है ना आर्टिफिशियली रन करते हैं. दे ट्राई टू से कि अच्छा अगर ये चीज़ चेंज होगी तो उस चेंज का सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. तो ये जो सारा काम है, ये जो मॉडलिंग वाला प्रोसेस है, टिपिकली मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस का काम है. तो देयरफॉर आई थिंक कि हम इसमें तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू टच दिस इवन एट ऑल. अच्छा, फॉर अस बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस परस्पेक्टिव, और ये डेफिनेशन मैं आपको खुद भी पहले बता चुका हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव ऑन. अच्छा, अब थोड़ा सा हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, एंड दिस टाइम जो डेटा पे अब जो फोकस है वो डेटा के ऊपर है, नथिंग एल्स, ठीक है. सो टिपिकली जब हम बायोलॉजिकल डेटा की बात करते हैं, तो ये आप लोग 9th या 10th में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने पढ़ी है, कि हम हर जो ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज है उसको हम डिवाइड करते हैं टिपिकली इनटू इट्स डोमेन्स, किंगडम्स, सब किंगडम्स, फाइलम्स, क्लासेस एंड सो ऑन, ठीक है. मसलन फॉर एग्जांपल मैमल्स, जिस हम जेनेरिकली कहते हैं मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें माउस भी आ जाता है, जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, जिसमें रैबिट्स भी आ जाते हैं, जिसमें हॉर्सेस भी हैं, पिग्स भी हैं, एंड लॉट ऑफ अदर कॉमन मैमल्स. तो मैमल्स जो है वो बेसिकली एक क्लास है, ठीक है. सिमिलरली रेप्टाइल्स, और इनके ऑफकोर्स बायोलॉजिकल नेम्स हैं, मैं तो इनके जो नाम ले रहा हूँ कॉमन लेमन नेम्स ले रहा हूँ, अदरवाइज दे हैव अ स्पेसिफिक नेम्स. फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स जो है उनको हम रेप्टीलिया कहते हैं, ठीक है, एंड सिमिलरली लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो ये जो हैं डिफरेंट वे वी कैन डिवाइड डेटा, वी कैन क्लासिफाई डेटा. तो क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. जब भी लव टैक्सोनॉमी आए तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ ईच स्पीशीज, ऑफ ईच जीन, ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, जिस भी तरह से आप इसको करना चाहें वो टैक्सोनॉमी के अंडर आएगा, ठीक है. अच्छा, और टैक्सोनॉमी में ऑफकोर्स डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब किंगडम्स की बात करते हैं तो किंगडम्स में यूकेरियोट्स हैं, किंगडम्स में जो है वो प्लांट्स की अलहदा किंगडम है, ठीक है, किंगडम में एनिमेलिया की अलहदा किंगडम है, बैक्टीरिया की अलहदा किंगडम है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट किंगडम्स, और फिर डिफरेंट लेवल्स हैं. जैसा मैंने आपको बताया एनिमल्स के अंदर फर्दर यू कैन क्लासिफाई देम इनटू एव्स और बर्ड्स, इनटू मैमल्स, इनटू रेप्टिलिया, इनटू अदर क्लासेस, ठीक है. और देन फर्दर ऑफ कोर्स जब मैं क्लास के अंडर बात करूंगा तो आई मे टॉक ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में बेसिकली फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स वो हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मंकीज आ जाते हैं, उसमें ह्यूमंस हैं, उसमें एप्स हैं, और वो इस तरह की क्लासेस हैं उसकी. तो ये सारा जो डेटा है ना, जब भी आप टैक्सोनॉमी सुनो, जब भी आप डिवीजन सुनो, तो थिंक अबाउट इट एज जस्ट क्लासिफिकेशन. लोग क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग एक ग्रुप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज टैक्सोनॉमी, दिस इज अ टिपिकल बायोलॉजिकल डेटा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्लास में मैमेलिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज रेड फॉक्स, जिसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है वल्पस वल्पस, एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी पैंथर, ठीक है, जिसको के जिसका बायोलॉजिकल नेम है पैंथरा पार्डूस. और अगर आप डोमेन देखो, इसकी डोमेन यूकेरिया है, किंगडम एनिमेलिया है, एनिमल्स में है, ठीक है, फाइलम इनकी कॉर्डेटा है, क्लास इनकी मैमल्स या मैमेलिया है, ठीक है, ऑर्डर में कार्निवोर या कार्निवोरा है, एंड सो ऑन. तो इनकी फिर फैमिली, और यहाँ तक देखो तो ऑर्डर तक एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, सेम डोमेन, सेम किंगडम, सेम फाइलम, सेम क्लास, एंड इवन द ऑर्डर इज द सेम. लेकिन जब सब क्लासिफिकेशन फैमिली में करते हैं तो देन वन गोज टू फेलिडाए एंड अदर गोज टू कैनिडाए, एंड ऑफ कोर्स देन जीनस एंड स्पीशीज. तो ये टिपिकली आप जब भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, यू हैव टू डिफाइन ऑल दीज एट सेवन और एट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अच्छा, दिस इज टैक्सोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए. जब भी आपने किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढना है, यू ऑलवेज ऑलवेज नीड टू फाइंड इट बाय इट्स स्पीशीज नेम, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि आई वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर जीन इन 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 लेट्स से पैंथर, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गो एंड सर्च नेम ऑफ दैट जीन एंड स्पीशीज पैंथरा पार्डोस, ठीक है. तो ये नाम आपको पता होना चाहिए जो इसका बायोलॉजिकल नेम है. नॉर्मली आप गूगल पे सिंपल लिखोगे तो भी आपको ये नाम वापस मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा,
तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस सारे टेक्सोनॉमिकल डेटा में से क्या है, ये है कि अगर मुझे मल्टीपल स्पीशीज दी जाएं तो मैं उन स्पीशीज का बायोलॉजिकल नेम निकालूं, द स्पीशीज नेम निकालूं, और वो जो स्पीशीज नेम है उसके अंदर उस जीन को, उस प्रोटीन को, उस डेटा को फाइंड कर सकूं उस डेटा बेस के अंदर. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के लिए जो स्पीशीज नेम है द नेम इज होमोसेपियंस, ठीक है, और इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी, प्लांट्स का भी, हर एक का ये नाम इसी तरीके से होता है. नाम हमेशा दो पोर्शन से मिलके बना होता है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पोर्शन इज एक्चुअली द मेन स्पीशीज नेम एंड द सेकेंड पोर्शन इज द स्पेसिफिक थिंग. फॉर एग्जाम्पल जब मैं पैंथरा पार्डूस कहता हूँ तो इसके दो पोर्शन है. पैंथरा मीन्स ये पैंथर्स की क्लास है, उसमें स्पेसिफिक जिस स्पीशीज का जिक्र हो रहा है वो पार्डूस है, ठीक है, इसमें और भी हो सकती हैं. अच्छा, सिमिलरली जब मैं होमोसेपियंस की बात करता हूँ तो होमोसेपियंस वॉज बेसिकली ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ होमो है. इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे होमोज भी थे जिसमें होमो इरेक्टस था, ठीक है, होमो इरेक्टस वर द फर्स्ट गाइस जो कि दो पांव पे खड़े हो सकते थे एंड सो ऑन. तो ये जो स्पीशीज की डिवीजन है ये भी इवन स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक नाम बता रही है. अगर आपने आज की ह्यूमन की बात करनी है तो इट हैज टू बी होमोसेपियंस. अगर आपने आज से लेट से जो 30,000 साल पहले जो ह्यूमन जमीन पे थे उनकी बात करनी है तो इट माइट बी होमो इरेक्टस, ठीक है. तो इसलिए ये पूरा नाम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता हुआ मिलना चाहिए. क्लियर सो फार टैक्सोनॉमी पे उबैद? यस सर, यस सर, क्लियर. अच्छा, आदम को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है? यस सर. रिदा, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग सो फार टैक्सोनॉमी को? क्लियर, ठीक है. यानी कि अब आप लोगों का, आई होप कि आप लोगों का, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्पीशीज का बताऊं, यू कैन गो ऑन गूगल, ठीक है, एंड लेट से आई कैन ट्राई. अगर ये स्क्रीन शेयरिंग में, आई डोंट नो, यू कैन ओनली सी दिस पार्ट. आई विल डायरेक्टली गो टू, आपको मेरी नजर आ रही है स्क्रीन या पॉज हो गई है? फिलहाल तो पावर पॉइंट ही नजर आ रहा है. PowerPoint ही आ रहा है. ओके, लेट मी शेयर अगेन एंड आई विल ट्राई शेयरिंग. नहीं, ये क्या आ रहा है? आई विल गो फोर्थ विद दिस वन. आई थिंक ठीक है. अच्छा, वील जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप पैंथर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पैंथर एनिमल बायोलॉजिकल, या बायोलॉजिकल लिखते हैं पैंथर एनिमल, ठीक है, जस्ट ऐसे कर लेते हैं, उसको विकीपीडिया पे कर लेते हैं, सो दैट्स इवन बेटर. ठीक है, क्योंकि विकीपीडिया पे इन्होंने साथ साथ उसका बायोलॉजिकल नेम भी दिया होता है, ठीक है. If I just go to this page, here you can see that basically it can refer to different panthers. For example, jaguar है, ठीक है, leopard है, black panther है, white panther है. और इंसानों के अगर आप नाम देखो तो leopard और jaguar को कम से कम biological name मिल चुका हुआ है. So जिस तरह leopard आपको दिखाया था, it's called panthera pardus, जिस तरह बता रहा था found in Africa and Asia. Similarly, jaguar का जो कॉमन जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज गोइंग टू बी पैंथरा ऑन का. अगर मैं आपको माउस का फॉर एग्जांपल इसी तरीके से द कॉमन माउस इन आवर हाउसेस, अगर उसका नाम आप देखो इसी तरह बायोलॉजिकल, ठीक है, तो वी कैन सिमिलरली फाइंड इट्स नेम. इट्स नेम इज मस मस्कुलस, जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है. तो ये बायोलॉजिकल नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां से निकालना. अगर आप कॉमन नेम गिवन हो, कॉमन नेम्स यू शुड बी एबल टू फाइंड फॉर एनी स्पीशीज इट्स बायोलॉजिकल नेम. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप डेटाबेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. तो हमारे लिए टैक्सोनॉमी सिर्फ इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल नेम्स मालूम होने चाहिए, ठीक है. नाउ आई विल मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन और उसमें वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. ओके, राइट. तो
the man who actually found and classified and came up with all these naming and nomenclature, at least for the botany. Botany का मतलब है कि जितने plants हैं, plants के लिए जिसने नाम दिया था, plants के लिए सारा काम किया था, वो Carl Linnaeus था. ठीक है, एंड Carl Linnaeus जो है, he was basically a Swedish scientist, and I have been working at the same university जहाँ पे ये जो था dean रहा हुआ है. So he is basically called as father of taxonomy, the first guy who actually started naming things. Or in that sense, I say that he is kind of an amazing person. Anyway, moving on, the second type of data that we encounter in nature, और ये ज़्यादा जो है वो आप जब AI की techniques वगैरह use करोगे somewhere maybe later in life, तो वहाँ पे अक्सर आपको जो है ना वो features चाहिए होंगे, ठीक है? और features के through आप classification करना चाहोगे. So of course, one way of finding features is बेसिकली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि देखने में कैसा लग रहा है, हाउ डज अ थिंग लुक लाइक व्हेन वी ऑब्जर्व इट. फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास जो है वो नॉर्मली, अ नॉर्मल ह्यूमन हैज गॉट 10 फिंगर्स, ठीक है, 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 ईयर्स, 2 आईज, 1 नोज एक्सेट्रा. तो ये सारी जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, दिस इज हाउ अ पर्सन लुक्स लाइक. फ्लावर्स की सर यहाँ पे एग्जाम्पल है, फ्लावर्स की बात करें तो इट्स मोर ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, हाउ डज इट लुक लाइक. तो ये जो सारी चीज़ें, इसको मॉर्फोलॉजिकल डाटा कहते हैं, ठीक है? और जो मॉर्फोलॉजिकल डाटा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के वी कैन डिफाइन थिंग्स और एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम दिस. तो ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम है, ये मॉर्फोलॉजी के अंडर आता है. अगेन, जीन के भी फीचर्स हो सकते हैं, जीन के फीचर्स जो है वो मॉलिक्यूलर डेटा कहलाएगा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की साइड से आ जाएगा. सो वील गो ऑन टू इट एट अ लेटर स्टेज. ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल फिन्स हैं, या जो डिफरेंट जो आप कंपैरिजन करते हैं आपस में डिफरेंट चीज़ों का, कि उनके कॉरिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स या ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉर्फोलॉजी. एनी वे, मूविंग ऑन, इसी तरह आप सेल की मेजरमेंट्स कर सकते हैं. दो डिफरेंट सेल्स लिए, उनकी मेजरमेंट की, अगेन हाउ अ सेल लुक्स लाइक. जो लुक्स लाइक की जब भी ऑप्शन आएगी वो मॉर्फोलॉजिकल डाटा के अंदर आएगी. दिस इज अनदर एग्जांपल. अच्छा, फिर हम आए थे इकोलॉजिकल डाटा के ऊपर. इकोलॉजिकल डाटा ये है कि इकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जहाँ टेम्परेचर हॉट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आप डेजर्ट्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? जून टेम्परेचर जो है वो लो की या कोल्ड की तरफ जा रहा है, तो आप टंड्रा या बोरियल फॉरेस्ट या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? एंड सो ऑन द अदर एक्सेस यू कैन बेसिकली सी प्रसिपिटेशन. जून जो आप ज़्यादा वेट एरियाज की तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट एंड टंड्रा एक्सेट्रा आ जाते हैं. और जो जो आप उसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो जो आपका प्रेसिपिटेशन कम होती जा रही है, मूव टूवर्ड्स डेजर्ट्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स और चैपरेल एक्सेट्रा. तो ये एक टिपिकल डाटा है जो आपको ये बता रहा है कि टेम्परेचर के चेंज के साथ या प्रेसिपिटेशन के चेंज के साथ जो वेरिएबल्स हैं दोनों चेंज होते हैं, तो उससे आपका जो इकोलॉजी है उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है? इकोलॉजी इस केस में फॉरेस्ट के या ट्रीज की दिखाई हुई है. इट कैन इवन बी हाउ ऑर्गेनिजम्स अनफेक्टेड एक्सेट्रा, ठीक है? या जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा. सो अगेन, यू माइट एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ डाटा जिससे आपको फीचर्स निकालने पड़े आपकी रिसर्च में या लेटर ऑन इन लाइफ. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस दैट यू आर ट्राइंग टू यूज मशीन लर्निंग टेक्निक्स स्पेसिफिकली इन दिस फील्ड. ओके, देन वी कैन मूव ऑन टू द बायोजियोग्राफिकल डाटा, ठीक है? And this is more based on, for example, in this case, we are seeing के geography का biology पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? किस तरह की हमें वहाँ पे जो है वो cases या diseases, for example, हमें मिल रहे हैं, ठीक है? Specific diseases in specific geographical areas. तो जब आप geography के ऊपर divide कर रहे हो data को, उसको classify कर रहे हो, तो it becomes biogeographical data. And you are applying some kind of machine learning technique on top of this data to get characteristics or find the important feature jiski wajah se ek disease ho raha hai ya ek jo bhi aapka characteristic hai, what is the most important feature. So this is again something that is used quite often in bioinformatics. Acha,
छोटी सी एग्जांपल है स्किन कलर का मैप, ठीक है. हाउ डज द स्किन कलर चेंज एज यू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. एंड दिस इज अ वेरी जेनेरिक थिंग. अफ्रीका है अफ्रीका, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट इन अफ्रीका मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट बेसिकली द डार्केस्ट स्किन कलर, और जूं जूं आप उससे अवे मूव करते जाते हैं तो आपका स्किन कलर जो है वो लाइटन अप होता जाता है. एंड दिस इज अगेन अ वेरी जेनेरिक थिंग, क्योंकि मतलब द मेन इशू हेयर इज कि दिस इज फॉर इंडिजिनियस पीपल, जो लोकल पीपल हैं वहाँ के. आज की दुनिया में जो जो विद द वे इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, वी आर बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉन्स्टेंटली. आपको यूरोप में जाके भी, आपको इवन रशिया में जाके, फॉर एग्जाम्पल इवन ऑन द पोल्स यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ अफ्रीकन्स, अ लॉट ऑफ एशियंस एंड अदर पीपल, या जिनका ओरिजिन इन जगहों से है. तो उस केस में फिर ऑफकोर्स ये मैप ट्रू नहीं रहता. बट दिस इज वन एग्जाम्पल कि जहाँ पे आप लेट से 300 years अगो और समथिंग वी कुड काइंड ऑफ प्रेडिक्ट द फ्रॉम वेयर अ पर्सन हैड ओरिजिनेटेड बेस्ड ऑन हिज स्किन कलर. सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल डेटा इज इमेजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोप्स. बहुत ज़्यादा जो बायोलॉजिकल डेटा है वो माइक्रोस्कोप्स को पढ़ने से आता है, और उसमें मेनली ऑफकोर्स हम जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, आपने 8th 9th 10th क्लासेज में या इवन बिफोर आजकल के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, दिस इज हाउ एन एनिमल सेल लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ अ प्लांट सेल लुक्स लाइक, ठीक है. और उसके जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स, और उन ऑर्गेनल्स में देर आर सेवरल इशूज. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डेटा डेट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट टू स्टडी एज वेल, ठीक है. हमें अगर लेट से सेंट्रियोल्स की या सेंट्रोसोम की मेजरमेंट दे दी जाए, और उसमें से डिजीज सेल वर्सेस अ नॉर्मल सेल हमें आइडेंटिफाई करना हो, और उसमें तमाम ऑर्गेनल्स की रीडिंग हो, रीडिंग्स पे आप क्लासिफाई कर सको कि इफ सेंट्रोसोम स्वेल्स अप एक्स्ट्रॉर्डिनरली देन इट इज गोइंग टू कॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज और समथिंग, ठीक है. इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस डिजीज. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगेन हम लोग भी इसको यूज कर रहे होते हैं और इस डेटा को हम स्टडी कर रहे होते हैं. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा डेट वी स्टडी अलॉट. अच्छा, देन आई थिंक आई जस्ट मूव ऑन टू द माइक्रो एरे डेटा. माइक्रो एरे डेटा जो है ये बेसिकली सेल एक्सप्रेशन को मेजर कर रहा होता है. सेल के अंदर जो है ना बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन्स और जो है वो केमिकल्स हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं. और टू सम एक्सटेंट वन कैन क्लियरली से कि जब हम सेल की बात करते हैं ना, तो इट इज, या बायोलॉजी की बात करें तो इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स को ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बायोलॉजी पूरी की पूरी बन सकती है. बट इट्स जस्ट बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी कह देते हैं. तो इन दैट सेंस जो केमिकल्स उसमें अंदर अकर कर रहे हैं और केमिकल्स जो रिएक्शंस कर रहे हैं उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, और वो किसी डिजीज में ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है, सेक्टर सेक्टर, जो उनकी मेयरमेंट है ना वो हम माइक्रो एरे डेटा के थ्रू करते हैं. तो दिस इज अगेन अदर फॉर्म ऑफ डेटा जो हमें एक नंबर्स बता रहा होता है. जस्ट इट इज जस्ट टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ केमिकल्स, अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, अमाउंट ऑफ डीएनए एसेट्रा इन अ पर्टिकुलर सेल, नथिंग एल्स. तो ये भी हमारे लिए बहुत बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंपॉर्टेंट डेटा है. एंड अदर टाइप ऑफ डेटा डेट यू इनकाउंटर इज द स्ट्रक्चरल डेटा. प्रोटीन्स जो है, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था, इट इज बेसिकली नथिंग बट अ फंक्शनल यूनिट, और इसका फंक्शन डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर. जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह की प्रोटीन होगी. तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें डिफरेंट लेवल्स पे हम देख सकते हैं. वी कैन लुक एट इट एज एट द प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? इट इज जस्ट अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है केमिकल्स की, या अमीनो एसिड, बेसिकली अमीनो एसिड्स की, ठीक है. तो उसमें आप जो है इवन फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एट दिस पॉइंट यू कैन बेसिकली सी द एलिमेंट्स या एटम्स जिनसे के ये केमिकल बन रहे हैं. अच्छा, उसी के अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाओ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर ऑफ अ व्यू पॉइंट ऑफ अ 2D व्यू पॉइंट ऑफ द सेम थिंग, ठीक है. टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो 3D व्यू पॉइंट है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट जो पोर्शंस के इकट्ठे मिलाकर एक एक जो व्यू बन रहे हैं वो हम उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एनी वे आई थिंक प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस एट द मोमेंट, ऑल्दो इसकी स्टडी भी डिजीज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है. बट फॉर लेट से फॉर दिस कोर्स और फॉर नाउ हम प्रोटीन स्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे. सो हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना,
हम इसके सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, दिस इज द प्रोटीन सीक्वेंस दैट यू ऑब्जर्व. ये वो टेक्स्ट है जो आप लोग थ्रू आउट इस लेक्चर में, इस कोर्स में देखते आ रहे हो और आगे भी देखोगे, ठीक है. और इसी पे आप लोगों के प्रोजेक्ट बेस कर रहे हैं. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टायरोसिन, लाइजीन, एलेनिन, एलेनिन, वेलिन. तो ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट्स फॉर अस. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स इज स्पेसिफिक कंपोजिंग अल्फाबेट ऑफ ऑफ प्रोटीन. और वो जो अल्फाबेट है उसको आप बहुत सारे अल्फाबेट्स जोड़ दो तो आपके पास एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक जो है स्ट्रक्चर बन जाता है. इन द सेम वे प्रोटीन्स के अंदर हम इन्हीं अमीनो एसिड्स को जोड़ दें, कंबाइन कर दें, ठीक है. केमिकली कंबाइन ऑफ कोर्स होते हैं और ये केमिकल्स हैं, देर केमिकल्स, लेकिन हम इनको सिर्फ नाम दे दिए. टेरोसिन इज अ केमिकल नेम फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल, ठीक है. तो इनको अगर आप जोड़ दें इकट्ठे तो बेसिकली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा प्रोटीन्स का, ठीक है. क्लियर है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? यस सर, एनीवन, क्लियर है. ये ऑलरेडी हो यस चुका हुआ है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस अगेन. और आप मेरे ख्याल में पहले पढ़ के आ रहे हो, जो पहले पढ़ के नहीं आए हुए, आई वांट एन आंसर फ्रॉम देम. मतलब बेसिकली जिन्होंने 8th 9th 10th में ये बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, डू दे हैव दिस आइडिया? ये यस सब ने पढ़ी हुई है सर, सर केमिस्ट्री में पढ़ा था सर, कह ये बायोलॉजी में नहीं रहे हैं, पढ़ा ये था, केमिस्ट्री में आपने अमीनो एसिड्स पढ़े हुए हैं. ये यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री में पढ़े थे ना फर्स्ट ईयर में. ठीक है, ठीक है. यानी ये बेसिक आइडिया है. आई कैन गो ऑन आफ्टर दिस. हम स्ट्रक्चर, बीटा शीट्स, अल्फा हेलिसेस, स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वगैरह पे बात नहीं करेंगे. हमारे सिर्फ फोकस जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर पे रहेगा, ठीक है ना. वो क्लियर होना चाहिए सबको. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम थोड़ा सा इस सारे को बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ बिल्डअप करेंगे, ठीक है. अच्छा, जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करता हूँ, व्हाट आई मीन बाय दैट इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेल. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, जिसको मैं जब भी मैं प्रोटीन क्लब यूज करूंगा, इट्स अ फंक्शनल वर्क हॉर्स ऑफ अ सेल. जीन्स, द कोड बुक, वो केमिकल्स, वो चीजें जिनसे कि एक्चुअली प्रोटीन जनरेट होती हैं. और जीन्स वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी है, जीन्स वो मॉलिक्यूल्स भी हैं कि जिनसे हेरिडिटरी ट्रांसफर भी होती है इन्फॉर्मेशन की. यानी कि जो हम कहते हैं ना कि फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू वन पेरेंट टू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग एंड ऑफस्प्रिंग टू इट्स नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो हेरिडिटरी मैकेनिज्म है, वो सारे का सारा जीन लेवल पे होता है. तो दिस इज अनदर मॉलिक्यूल. जीन इज अ मॉलिक्यूल, इट्स अ केमिकल जो कि जिनसे कि आप प्रोटीन जनरेट करते हैं और जिनसे आप हेरिडिटरी ट्रांसफर करते हैं. एंड द थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड. और ये इंटरमीडिएट्स हैं. ये जब जीन से आपने प्रोटीन बनानी है तो उसका जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है वो टिपिकली एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है. तो जो जीन्स हैं उनसे बनते हैं आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन. सो दैट्स द टिपिकल वे. और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक्चुअल फंक्शनल वर्क हॉर्सेज हैं. यानी कि जो एक्चुअल काम कर रहे हैं सेल के अंदर, जो एक्चुअल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं सारे, इन केस ऑफ लेट से एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, वाटर का प्रेशर है या हीट का प्रेशर है या जो भी डिफरेंट स्ट्रेन आते हैं उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो जो केमिकल्स जो एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है. सो ये तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हम देखेंगे. अच्छा, देन वी कम ऑन टू व्हाट आर जीन्स कॉम्प्राइज ऑफ. जीन्स किस तरह की, किस तरीके से बनती हैं. जीन्स जो है वो डीएनए से बनती हैं, जस्ट एज आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. सिमिलरली डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. और अगेन ये जस्ट इसका जो है वो केमिकल नेम है. और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्टैंडर्ड चेन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस है और फॉस्फेट ग्रुप साथ में होता है जो कि पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है. पेंटोज जो है इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर. फ्रक्टोज है, पेंटोज है, एंड अ लॉट ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स. तो जो डीएनए है इसमें चार केमिकल शुगर सिर्फ मिला सकते हैं आप, ठीक है. ए टी सी जी जो हम नाम देते हैं, इट्स नथिंग बट जस्ट व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द बेसिक नाइट्रोजनस बेस. ये जो चेन है ना, ये नाइट्रोजन बेस की नीचे आपको नजर आ रही है, तो
इसके साथ जो ये जुड़ी हुई हैं डिफरेंट शुगर्स, जो शुगर है इसको आप चेंज कर दें, आपकी जो है वो न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन थिंग हेयर इज यू हैव गॉट फोर केमिकल शुगर्स, वन इज कॉल्ड एडेनिन, वन इज कॉल्ड थाइमिन, द अदर इज कॉल्ड ग्वानिन, एंड फाइनली इट्स कॉल्ड साइटोसिन। और अगर आप ये पिक्चर्स देखकर, ये चीजें देखकर घबरा रहे हैं, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें शुगर्स, शुगर बेसिस हैं, और शुगर बेसिस के ऊपर जो है फर्दर नाइट्रोजनस ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो उसको चेंज कर रहे हैं, तो इट रियली इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। मुझे खुद भी इसको जब अभी भी, इवन नाउ इफ आई सी इट, तो मुझे समझने में टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, याद रखने में इवन, कि ये जो फॉर एग्जांपल डबल जो है वो इसमें वो है डबल साइकिल्स हैं, ठीक है, इसमें सिंगल साइकिल्स हैं, थायमिन एंड साइटोसिन और सिंगल साइकिल, दिस इज डबल साइकिल एक्सेट्रा, तो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी अगर आप केमिकल वाइज याद रखो। बट लकीली फॉर अस, अगर हम बायोकेमिस्ट की बात करें तो बायोकेमिस्ट के लिए ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फॉर अस दैट्स नॉट द केस। फॉर अस जब भी हम जीन की बात करेंगे तो हमारे लिए किस तरह से देखना चाहिए इसको, आई शो इट टू यू इन द इन विद एन एग्जाम्पल। क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करें ना इसकी जो स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि अगर अगर स्पेसिफिकली जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, तो दिस इज समथिंग दैट आई काइंड ऑफ अवॉइड पर्सनली लोगों को दिखाने को, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं असल स्ट्रक्चर ये नहीं है, असल स्ट्रक्चर वो है जो मैं आपको केमिकली दिखाया है, ठीक है। बट लेट्स लुक एट द अंडरलाइंग, लेट मी शेयर इट आई थिंक, और उससे आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों ने कंफ्यूज, ठीक है। सो इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? No, sir. आदम, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉब्ली। नो सर, नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा। सर आगे अब आया, फिर चला गया, मैं तो करता हूँ दोबारा, लेट मी ट्राई इट। अब आ रहे हैं, थोड़ी देर तक शायद आ जाए, स्ट्रीम में थोड़ा सा डिले है तो उस वजह से थोड़ा वेट करता। ओके चलो, एंड देन आपको जो अभी मैंने केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया ना, असल स्ट्रक्चर वही है बहरहाल, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, असल स्ट्रक्चर बहरहाल वही है। अलबत्ता जो आप अभी देखोगे, इट्स बेसिकली हाउ वी कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑलवेज गेट दिस डेटा, हमें हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जब स्क्रीन विजिबल हो जाए सबको तो मुझे काइंडली बता दो, ताकि मैं उस पर जो है वो फिर आगे मूव करूं। विजिबल नहीं है सर, अभी तक नहीं आया विजिबल, किसी को विजिबल है, किसी एक को भी आ रहा नजर? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो दोबारा, लेट्स ट्राई नाउ। अब विजिबल है या अभी भी नहीं है? नहीं है तो नहीं है, नहीं है सर, अभी भी नहीं है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा देता हूँ आई थिंक, एंड लेट्स ट्राई विद दैट देन, ठीक है। सर अब आ गया, अब आ रहा है। अच्छा वो जो आ रहा है वो हैंग या फॉल्ट आ रहा है ना, ठीक है, आई विल कीप इट एट दैट लेवल। अब देखो
अब ड्रैग मूव कर रहे हैं या इट्स स्टिल पॉज्ड? सर पॉज है, इट्स स्टिल पॉज्ड, मतलब माउस आपको मूव करता नजर नहीं आ रहा? नोप. ओके, खैर एनीवे नो प्रॉब्लम स्टिल. ठीक है, व्हाट आई कैन शो यू हियर इज, इसी स्क्रीन पे अगर आप देखो, यू कैन, व्हाट यू आर सीइंग इज फर्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है एक एरो के साथ. टेल मी इफ यू कैन सी द एरो, जो फर्स्ट लाइन है, मतलब फर्स्ट लाइन से मेरा मतलब है व्यू के नीचे, मतलब आपने दया मैं तो कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट, हम देखेंगे इससे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे काम करना है, बट मैं सिर्फ आपको डेटा दिखाना चाह रहा हूँ. द डेटा हियर इज इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन, एरो के साथ स्टार्ट हो रही है, राइट? यस सर. यस सर. जी सर, नजर आ रहा है. अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है ENS0 something 0073712 colon whatever. ठीक है, तो ये डेटा हमेशा, जब भी हमने बायोलॉजिकल डेटा देखना है ना, बायोलॉजिकल डेटा हमेशा फास्टा फॉर्मेट में मिलेगा. फास्टा का लफ्ज जो है, मतलब यू, आई कीप ऑन सेइंग दिस वर्ड, फास्टा फॉर्मेट का मतलब ये होता है द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स द नेम ऑफ द प्रोटीन और नेम ऑफ द जीन, जो भी नाम है उसका या नंबर है या इंफॉर्मेशन है उसकी सारी. फर्स्ट लाइन में आप एरो हेड के साथ, इट ऑलवेज हैज टू बी एन एरो हेड एंड देन इट मस्ट इंक्लूड द नेम और इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन और जीन जिसके लिए भी आप कर रहे हैं. अच्छा, सेकेंड लाइन ऑनवर्ड्स, जब तक दूसरा एरो ऑब्जर्व नहीं होता या फिर जो है वो एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती, जब तक नहीं होता तब तक उसका सीक्वेंस ऑब्जर्व होगा. मसलन जो प्रोटीन हमने यहाँ पे निकाली है या जो दिस इज अ जीन, तो इस जीन का नाम है ENS0000073712 एंड इट ऑल्सो हैज गॉट अ ट्रांसक्रिप्ट नेम्स एंड अदर थिंग्स और इन्फॉर्मेशन भी है. ठीक है, लेकिन सारे इसके नाम में मौजूद है और जो इसका सीक्वेंस है, एक्चुअल सीक्वेंस वो है GTTT यानी ग्वानिन, थायमीन, ठीक है, साइटोसिन एंड ए से जो भी बनता है. ठीक है, सो सिमिलरली इट्स GTT CCC AGT AA ऑन अंटिल लाइन. जी जी, एडिनिन ए से, एडिनिन है. ठीक है, बिल्कुल. ये जो है ना, नाम जो भी है, खैर नामों में it doesn't really matter. So for me it's basically just a text, GTT CCC AGT AA until the end of line which is CG ke baad wo continue karega. In FASTA format we have got basically 60 characters per line, not necessarily but jo pure FASTA hai wo ye kehta hai ki 60 characters per line hone chahiye. To asal mein jo sequence hai wo continue kar raha hai even after that. So after we reach end of line AA GCG it will continue with TTT GA GA so on until GT which is the last two letters and then continue again from ATT and onwards. So ye sara ek hi sequence hai. New line aane se hamara sequence break nahi hoga. Sequence tab khatam hoga jab dobara ek arrowhead aayega. Dobara arrowhead aane ka matlab hai now we have started talking about a second gene or protein. Theek hai, to aapki jo proteins hain wo bhi isi tarah represent hoti hain with a single character. A single character here is in this case, जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ जो है वो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है. दिस इज द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. तो और वो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा सीक्वेंस है. इट अगर ज़ाहिर है स्क्रीन हैंग हुई हुई, आई थिंक यू कैन नॉट स्टिल सी इट, बट अगर नीचे जाएं तो इट गोज ऑन फॉर एटलीस्ट अ फ्यू थाउजेंड अमीनो एसिड्स. ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर. आर यू कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ ऑफ अ जीन नाउ, मतलब जीन किस तरह की दिखती है? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, तो फिर अब हम मूव करते हैं. अगर किसी को अभी भी जीन में प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बैक. ठीक है, एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अच्छा, जब हम बात करते हैं, लेट्स गेट टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. स्लाइड विजिबल है?
यस सर विजिबल है। ओके सो दिस इज गोइंग फाइन, ठीक है। अच्छा जब हम बात करते हैं ना, अब जो हमने देख लिया, व्हाट वी हैव सीन इज बेसिकली हाउ अ डीएनए लुक्स लाइक, ठीक है। सो जब भी मैं जीनोम की बात करूँ, जीनोम इज बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जीनोम में कंटेंड होती है, ठीक है। और अ जीनोम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अच्छा बस इसको इतना याद रखना है कि जब भी जीनोम का लफ्ज आएगा, दिस एक्चुअली मींस कि जितना भी उसका जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, एक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के, वो उसका जीनोम कॉम्प्राइज करेंगे, ठीक है। और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक टिपिकल जीनोम जो है वो टिपिकली पैक होता है एज क्रोमोसोम्स, यानी ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स क्या हैं? दीज आर लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि बेसिकली जिस तरह आप एक थीसिस लिखते हो ना, तो थीसिस एक्चुअली एक बुक है, लेकिन उस बुक के देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स इनसाइड। हम हर चैप्टर को अलहदा अलहदा भी देख सकते हैं, हम चाहे तो उनको कंबाइन करके थीसिस भी कह सकते हैं। सिमिलरली हम एक यूकैरियोटिक जीनोम, यूकैरियोट इज बेसिकली द मेजर बायोलॉजिकल ग्रुप, मैं इस पर बात फिलहाल नहीं करना चाहूंगा, बट आई कैन सिंपली से कि जो जीनोम है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, चैप्टर्स की फॉर्म में होता है। एक जीनोम बताते खुद एक थीसिस है कंप्लीट, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उस थीसिस के डिफरेंट हिस्से हैं। और जाहिर है हर चैप्टर को अगर आप देखो तो वो चैप्टर इट्स नथिंग बट इट कॉम्प्राइजेस ऑफ अ लॉट ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि क्रोमोसोम हमारे लिए क्या होगा, इट वुड बी लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए। अभी आपने एक एग्जांपल देखी थी, वो सिर्फ एक जीन की एग्जांपल थी, ठीक है। वो जीन किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम का हिस्सा है, ठीक है। लेट्स टेक जीन एज मे बी अ पैराग्राफ, ठीक है, और वो खुद भी कॉम्प्राइज कर रही है बहुत सारे अल्फाबेट से, बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल से, न्यूक्लियोटाइड्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। और वो जो सारे पैराग्राफ्स हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करो, बहुत सारे जीन्स को ज्वाइन करो, तो वो एक क्रोमोसोम पे लाइक करेंगे, एक क्रोमोसोम का हिस्सा होंगी, ठीक है। हम जिस तरह हम कहते हैं ना कि फलाना पैराग्राफ जो है वो चैप्टर 5 में 6th पैराग्राफ है, सिमिलरली वी कैन से डेट ऑन क्रोमोसोम 21 एट लोकेशन सो एंड सो हमारी ये जीन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सिमिलरली क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट वही है जो कि एक थीसिस के अंदर एक चैप्टर का है। फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, द ह्यूमन जीनोम हैज 46 नेम्ड क्रोमोसोम्स एंड अ कपल मोर अननेम्ड वंस, इनको हम स्कैफोल्ड्स कहते हैं। सो स्कैफोल्ड इज नथिंग बट अ वेरी शॉर्ट क्रोमोसोम जिसको अभी तक नाम नहीं दिया गया, ठीक है। ईच क्रोमोसोम मे कंटेन मेनी जीन्स, और जीन क्या है, इट स्ट्रेच अगेन स्ट्रेच ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग द जीन सीक्वेंस। जैसा मैंने कहा पैराग्राफ, आप समझ लो पैराग्राफ के अगेन अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ होता है। एंड ईच जीन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, यानी आप उनको वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। एक्सॉन्स आर स्पेसिफिक, इनके स्पेसिफिक फंक्शनल वो एट्रीब्यूट है, इंट्रॉन के भी जितना स्पेसिफिक फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी तक आप ऑलरेडी देख चुके हुए हो इस सारी चीज को, दिस इज जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू नेम दीज नॉमिनेचर्स फॉर यू। जहां जब भी आगे मैं नाम यूज करूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड जीन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। फॉर अस वो अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वो अल्फाबेट असल में क्या है, वो केमिकल्स हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके सो जब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, तो उसमें अ मास्टर थीसिस इज कॉम्प्राइज ऑफ चैप्टर्स, पैराग्राफ्स, वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैं इसको कंपेयर करूँ जीनोम के साथ, जीनोम इज लाइक अ मास्टर थीसिस, तो जीनोम को फॉर एग्जाम्पल जीनोम इज द मास्टर थीसिस इटसेल्फ, एक आंसर मैं आपको बताया, ठीक है। जो बाकी चार के आंसर हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे बारी बारी, जो बंदा एक तो आंसर कर लेगा दोबारा आंसर नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद वट अ क्रोमोसोम इज इन इन अ मास्टर थीसिस। ये आसान सवाल है, सो आई विल प्रोबब्ली गो विद दिस विद अरीबा। अरीबा है, इज अरीबा प्रेजेंट? नहीं है, ओके देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन। जी
चले रिदा से स्टार्ट कर लेते हैं जी. क्रोमोसोम इज व्हाट? क्रोमोसोम आर लाइक वर्ड्स. नहीं, मास्टर थीसिस में, चलो मास्टर थीसिस की बात डिवीजन कर लेते हैं. आप ऊपर देखो, मास्टर थीसिस कंप्राइज्ड ऑफ चैप्टर्स, पैराग्राफ्स, वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स. ठीक है, अभी आपने कहा कि जीनोम जो है वो, जीनोम इटसेल्फ इज मास्टर थीसिस इटसेल्फ. ठीक हो गया. अब आपके पास बचे चैप्टर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था बेसिकली एट द आउटर लेवल, यानी सबसे जो इमीडिएटली जीनोम क्रोमोसोम से डिवाइड करते हैं. जिस तरह आप एक चीज को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, चैप्टर्स इज अ मेजर थिंग, इसी तरह सर क्रोमोसोम चैप्टर्स होंगे और क्रोमोसोम चैप्टर्स होंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. ठीक है, थिंक ऑफ इट एज द नेक्स्ट लार्जेस्ट डिवीजन ना. अब आगे किसी और पे मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू उबैद. उबैद है, इज हियर प्रोबेबली. जीन क्या, व्हाट इज अ जीन इन टर्म्स ऑफ अ सर? जीन जो है वो पैराग्राफ है. जीन इज अ पैराग्राफ, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जीन को मैंने आपको बताया था, आप डिवाइड कर सकते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एहसान इफ ही इज प्रेजेंट. एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर ये वर्ड्स होंगे. वर्ड्स वर्ड्स होंगे. वर्ड्स नहीं कि बेसिकली ये हिस्सा बनाना पड़ेगा, का कुछ हिस्सा बनाना है. एंड फाइनली ऑफ कोर्स वी आर लेफ्ट विद वन थिंग, और वो जो अक्सर बात करते हैं, डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस. वो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के मॉलिक्यूल लाइक न्यूक्लियोटाइड के रूप क्या होंगे अक्सर. अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी. जी सर डीएनए लाइक अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स, ठीक है, यानी बेसिकली आप अल्फाबेट्स जोड़ते हो, आप उनसे वर्ड्स बनाते हो. वर्ड्स को जोड़ते हो, उनसे आप पैराग्राफ बनाते हो. पैराग्राफ को जोड़ते हो, आप चैप्टर्स बनाते हो. और चैप्टर्स को जोड़ते हो तो आप चीज बना लेते हो ना. सिमिलरली आप इसको इस ऑपोजिट सेंस में लेके चलो, डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ोगे, ये डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस के अल्फाबेट्स हैं, इनको जोड़ोगे आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे. वर्ड्स क्या हैं? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं. ठीक है, उन वर्ड्स को, एक्सॉन इंट्रॉन्स को जोड़ोगे तो आपके पास जीन आ जाएगी. जीन्स को जोड़ोगे तो आपके पास बेसिकली, यानी कि आपने जो है वो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास एक चैप्टर बन जाता है. तो क्रोमोसोम उस चैप्टर के बराबर है, और बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स को जोड़ लो तो आपके पास मास्टर थीसिस यानी कि एक जीनोम बन जाता है. तो इनको इसी ऑर्डर में याद रखो. आप लोगों को याद रखने में आप लोगों को इनमें कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगी, आप कभी भी इसमें परेशान नहीं होंगे. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीनोम की जब मैं बात करूं तो यू अंडरस्टैंड कि मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली बहुत सारी कलेक्शन ऑफ डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस की, जो कि खास स्ट्रक्चर में ज्वाइन अप होते 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 बनाते बनाते फाइनली जीनोम के इस फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं. जस्ट लाइक सेइंग कि मास्टर थीसिस क्या है, आपने इंग्लिश में या कुछ लिखा हुआ है ना, इट्स अ रिटन टेक्स्ट, नथिंग एल्स. हाँ, उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, स्ट्रक्चर जो है उसका, वो आप डिवाइड कर सकते, क्योंकि जी इसको हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, इसमें फर्दर ये डिवीजन है, फर्दर ये डिवीजन है, लेकिन हैं तो अल्फाबेट्स ही ना, हैं तो इंग्लिश ही के वर्ड्स, इंग्लिश ही के लेटर्स हैं जो जुड़ के कुछ बना रहे हैं. सो इन द सेम वे वी हैव गॉट जीनोम. जीनोम इज बेस्ड ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स. अलबत्ता वो डीएनए मॉलिक्यूल्स पहले एक्सॉन इंट्रॉन्स बनाते हैं, उन एक्सॉन इंट्रॉन्स को जोड़ने से हमें जीन बनते हैं, उन जीन्स, बहुत सारी जीन्स को जोड़कर हम क्रोमोसोम बनाते हैं, उन क्रोमोसोम्स को इकट्ठे कर दो तो जीनोम बन जाता है. इन हर लेवल पे इट्स अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर है, बहरहाल डीएनए नाइट्रोजनस बेस ही है. इज व्हाट यू नीड टू नो बाय डिफॉल्ट, और कीप इन माइंड जब भी हम इनकी बात करें. अच्छा, अब इनहेरिटिंग मैकेनिज्म की मैंने बात की थी, और जब इनहेरिटिंग मैकेनिज्म की बात की थी, एग्जांपल में ऑलरेडी आप लोगों को ये दे चुका हूं कि टू ट्विंस जो है वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो वो इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स. जो जीन्स हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, वो पेरेंट से चिल्ड्रन में पास आउट होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स में पास आउट होती हैं. और जो ये पास आउट हो रही हैं, इसका मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट्स जैसे दिख रहा होता है. ठीक है, दिस इज वेयर जीन्स और जीनोम इज इम्पोर्टेंट. जो पूरा जीनोम है वो कम्प्लीटली विद सम ट्वीक्स, विद सम जो क्रॉस ओवर, और हम देख चुके हैं ऑलरेडी जो मैकेनिज्म है
इन जेनेटिक एल्गोरिथम सब वो मैकेनिज्म पूरा देख चुके हैं, उस मैकेनिज्म के थ्रू एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा होता है नेक्स्ट जनरेशन में. तो कुछ पोर्शन बिल्कुल सेम होता है, कुछ पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन वो आप पेरेंट से ही रहा है. और स्पेसिफिकली अगर उसमें म्यूटेशन हो तो म्यूटेशन ब्रिंग्स अस अ नोवेलिटी. बच्चों का आप देखो, दे लुक वेरी मच लाइक, सम पार्ट्स लुक वेरी सिमिलर टू देयर फादर, सम पार्ट्स लुक वेरी सिमिलर टू देयर मदर. और कुछ यूनिक थिंग्स होती हैं, जो थोड़ी सी यूनिक थिंग्स होती हैं, देयर बेसिकली मे बी बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन और म्यूटेशन दैट इज हैपनिंग. अदरवाइज जो बाकी कॉन्टेंट है वो डेटो कॉपी है फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट्स. तो ये जो चीज है, दिस इज बिकॉज ऑफ द जीन और जीनोम. जो जीनोम है जो ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर ये, उसकी वजह से सेम लुक्स और सेम फीचर्स आ रहे हैं. बाप लंबा है फॉर एग्जांपल, बाप और माँ दोनों लंबे हैं तो प्रोबेबली द चाइल्ड विल आल्सो बी टॉल. ठीक है, बाप और माँ दोनों लेट से फाइव फिट टॉल हैं तो गालिबन बच्चा भी जो है वो भी ऑलमोस्ट 5 फीट के करीब ही होगा, अनलेस ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम बैक इन ग्रैंड पेरेंट्स और इवन बिफोर. एनीवे, अच्छा जब कजन्स की हम बात करते हैं, कजन्स में भी हमें सेम सिमिलरिटी नजर आ रही होती है, लेकिन इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आई कैन सिंप्लीफाई इट एज दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स में है, और वही चीज जो है वो आगे फर्दर चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो गई. तो दिस थिंग इज ट्रू, दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज जो कॉपी हो रही है वो ग्रैंड पेरेंट्स से जीनोम कॉपी होके मिल रहा है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स से फिर वो कॉपी होके मिल रहा है चिल्ड्रन को. इस वजह से इवन इन कजन्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, एंड दिस थिंग कैन एक्चुअली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो हम जितना इसको डीप करते जाते हैं, डीपली इनटू द एंसेस्टर्स मूव करते जाते हैं, उतने एक्चुअली चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं. कि जो यानी चांसेस कम का मतलब है कि इफ यू गो बैक लेट्स से 4 or 5 generations, तो आप लोग अपने जो वो 4th-5th generation के जो कजन्स आपके बनते हैं उनसे बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट हो गए एज कम्पेयर टू लेट्स से योर फर्स्ट कजन्स और योर सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके आप ज्यादा जो है वो सिमिलर हो गए. तो जूं जूं आप दूर जाते जाओगे तो सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट यू हैव डन इन सीक्वेंस एनालिसिस. जब आप दो टेक्स्ट को मैच कर रहे थे ना, तो जूं जूं छापे का लेवल दूर होता जाता था, जूं जूं जो है जिस ओरिजिनल जिसके टेक्स्ट से लोग छापा लगा रहे थे, जूं जूं बीच में और लेयर्स आते जाते थे, तो तब तब उसकी सिमिलैरिटी उससे कम होती जा रही थी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सीन. अच्छा फिर आ जाते हैं हम प्रोटीन्स के ऊपर. हेरिटरी मैकेनिज्म जो ट्रांसफर हो रहा है, जो हेरिटरी डिटेल्स हैं, जो कोडिंग डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी जीन्स में हैं. अच्छा अलबत्ता जो फंक्शनल वर्क हॉर्सेस हैं वो आपकी प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स भी कोई और चीज नहीं है, दे आर जस्ट स्ट्रैंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स क्या हैं? अगेन केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक नाइट्रोजनस बेस है और एक डिफाइनिंग ग्रुप है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. दिस इज समथिंग ऑफ अ बायोकेमिस्ट्री थिंग फॉर अस. अगेन जब भी प्रोटीन की कोई बात करे, दिस इज अ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल. दिस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रैंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स. ठीक है, दिस हैज अ लॉट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्वड. लेकिन लकीली जब हम बात करते हैं फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो हमारे लिए दिस इज नथिंग बट जस्ट टेक्स्ट अगेन इन फास्टा फॉर्मेट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये APH1 एक प्रोटीन है, उसके सीक्वेंसेस हमने निकाले हुए हैं इन डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस अब टॉप में नजर आ रहा है आपको. ठीक है, देन यू हैव गॉट पेंट्रो. ठीक है, मस मस्कुलस, एनोलिस कैरोलेंसेस, ज़िनोपस ट्रॉपिकालस, और ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. बस टॉप पे ह्यूमन है, देन यू हैव गॉट बेसिकली गोरिला, देन यू हैव गॉट माउस, देन यू हैव गॉट लिजर्ड, देन यू हैव गॉट फ्रॉग, फिर फिश की दो टाइप्स आ जाती हैं, एंड सो ऑन. तो ये आप देखो उन सारों का जो प्रोटीन का एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट. जब आप असाइनमेंट वाली एग्जांपल कर रहे थे तो असाइनमेंट में इट वाज जस्ट टेक्स्ट दैट यू वर कंपेयरिंग. इन हियर अगेन यू कैन सी कि ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स के अल्फाबेट्स जोड़ के एक टेक्स्ट बना है. वो टेक्स्ट जो है वो हमें विजिबल है एज बेसिकली अल्फाबेट्स, एज प्रोटीन सीक्वेंसेस. टॉप पे क्या है? अगेन एरोहेड के साथ उसका नाम आ रहा है. देन यू हैव गॉट दीज सिंगल लाइन, और ये कंटिन्यू कर रहा है आगे. मैंने इसको ऑफ कोर्स, दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट, तो ये आगे कंटिन्यू कर रहा है. दीज आर लॉन्ग सीक्वेंसेस, और ये सारे में इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश.
इंसानों में, ह्यूमन में और जो यूकेरियोट्स हैं, मतलब बेसिकली जो किंगडम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, इसमें टिपिकली 20 के अमीनो एसिड्स हमें नजर आते हैं. तो 20 अल्फाबेट्स आपके पास यहाँ पे होंगे, ठीक है. M is a specific alphabet, G is a specific alphabet, A is a specific alphabet, is a specific amino acid. Protein की terms में बात करूँ तो this is a specific amino acid. तो ये सारे different amino acids हैं, इनके नाम हैं और वो नाम बड़े अजीबोगरीब से हैं. You can always Google it. उसके actual three letter नाम भी हो सकते हैं, single letter भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने single letter लिखे हुए हैं. इससे पहले जो आपको दिखाया था वो three letter names थे, ठीक है. दोनों लिखे जाते हैं. Single letter is easy for us to match and look. तो इसलिए मैं single letters use कर रहा हूँ. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगेन आप फास्टा सीक्वेंस पे जाओ, प्रोटीन्स को भी आप फास्टा सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप जो जीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, उनको भी फास्टा सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो. रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख लो, एरोहेड से स्टार्ट होगा. एरोहेड क्या उसका नाम होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई जो भी रखना चाहो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल, सब कुछ फर्स्ट लाइन के अंदर ही होनी चाहिए. सेकेंड लाइन ऑनवर्ड्स उसका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है. जब ये न्यू लाइन करोगे वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा. द सीक्वेंस हैज टू बी सच, अगर फास्टा फॉर्मेट, जो प्योर फास्टा फॉर्मेट है, वो कहते हैं 60 करेक्टर्स से ज्यादा एक लाइन में नहीं आ सकते. सो वील हैव टू गो टू नेक्स्ट लाइन अगर प्योर फास्टा है. दिस इज ऑल्सो फास्टा, दिस वर्क्स एज वेल, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं इसको एक्सेप्ट ना करें कि एक ही लाइन के अंदर आपने पूरा सीक्वेंस लिख दिया है. इट गोज ऑन अंटिल आइदर यू बेसिकली रीच एंड ऑफ द एंड ऑफ योर फाइल और You encounter another arrow. यहाँ पे आप थर्ड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में आपको सेकंड एरो नजर आ रहा है. इसका मतलब है कि थर्ड लाइन के ऑनवर्ड जो है वो एक नई प्रोटीन स्टार्ट हो रही है, पेंट्रो की APH1 स्टार्ट हो रही है. उसका सीक्वेंस क्या है, वो फोर्थ लाइन में गिवन है, ठीक है. फिर फिफ्थ लाइन के ऑनवर्ड एक नई प्रोटीन स्टार्ट हो रही है, मस्कुलस की APH1, उसका सीक्वेंस किधर है, सिक्स लाइन में गिवन है. सो ये फास्टा फॉर्मेट आपको प्रोटीन्स में, जीन्स में हर जगह पे नजर आएगा. आर वी क्लियर सो फार, प्रोटीन्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं. इफ यू आर क्लियर दिस पॉइंट, तो नेक्स्ट थिंग इज हम इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर वी डूइंग विद दीस थिंग्स. तो पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस कम स्पेसिफिकली एट द पार्ट जहां पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम की बात करते हैं. यानी कि आपने लिवर के, फॉर एग्जांपल, इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल, आपने लिवर लिया किसी एनिमल का, किसी चीज का, ऑर्गेनिज्म का, और उससे आपने जो है ना डीएनए सीक्वेंस निकालना है. आपने ये निकालना है कि इसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, ठीक है. तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहलाती है. यानी कि आपने फ्रॉम द क्या कहते हैं इसको, फ्रॉम द रॉ बायोलॉजिकल सैंपल जो आपने लिया है, उससे आपने उसको, उसके अमीनो एसिड्स फाइंड करने हैं, उसके उसका सीक्वेंस फाइंड करना है. और जो उसका सीक्वेंस होगा वो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहलाएगी. कैसे ढूंढना है, क्या टेक्निक लगानी है, कैसे जोड़ना है, ठीक है, डिफरेंट स्टैंड है, उसको मैयर कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इसमें हैवीली इन्वॉल्व है बायो इंजीनियरिंग. बायो इंजीनियरिंग फ्रॉम द साइड के मशीन उसमें से क्या डाटा निकालेगी, एंड देन देयर हैज टू बी कंप्यूटेशनल टेक्निक और कंप्यूटेशनल एनालिसिस जो कि उस डाटा में एरर्स को फाइंड आउट करे, उस एरर्स को रिमूव करे, उसके अलावा उनको जोड़े, ठीक है. एज वी माइट सी इन मे बी नेक्स्ट लेक्चर, हम इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे होंगे इन वन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है. अच्छा, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, हमें टिपिकली उसमें से बहुत छोटे छोटे रीड्स, बहुत छोटे छोटे जो है ना वो मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, उनको हमें जोड़कर एक्चुअली पूरा असेंबल करके हमें क्रोमोसोम्स बनाने होते हैं. फ्रॉम दोज रीड्स वी वांट टू कन्वर्ट इट फर्स्ट, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर स्मॉल, वेरी स्मॉल पैचेस और रेपिटेटिव पैचेस हैं. तो आप उनको, दिस इज अ प्रॉब्लम मोर जब आप ये स्पेसिफिक जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम असेंबली नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में देखोगे, उसमें आपको समझ आएगी व्हाट डू आई मीन बाय रीड्स एंड कॉन्टीज एंड स्कैफोल्ड्स एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम कि जिसमें आपका एक देयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्मॉल रीड, उनको कंबाइन करके आपने पहले कॉन्टीज बनाने हैं और उन कॉन्टीज को कंबाइन करके आपने स्कैफोल्ड्स बनाने हैं, स्कैफोल्ड से क्रोमोसोम्स बनाने हैं. सो इसके पीछे जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, इसके पीछे जो कंप्यूटेशनल टेक्निक है, स्पेसिफिकली ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व होता है.
और वो जो ग्राफ की टेक्निक है, डी ब्रुइन ग्राफ्स हैं और वो जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं वो हम इस जीनोम असेंबली प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑफ कोर्स आपने जो है क्रोमोसोम बना लिया, क्रोमोसोम इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, लेकिन आपने उसमें प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पे जीन्स हैं, कहाँ पे जो है वो नॉन जीन डेटा है, जंक डीएनए जिसको हम कहते हैं, कहाँ कहाँ पे जंक डीएनए है, कहाँ कहाँ पे कोडिंग डीएनए, कहाँ कहाँ पे जंक डीएनए। तो ये जो जीन का एरिया प्रेडिक्ट करने वाली बात है, जिसके यहाँ पे ये जीन है, उस सीक्वेंस को फिर एक्सट्रैक्ट करके ऑफ कोर्स आप फर्दर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, ये जीन प्रेडिक्शन प्रॉब्लम है। आपने क्रोमोसोम बना लिया, क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ पे जीन है इसको प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट करने के लिए एल्गोरिथम क्या होगा, टेक्निक्स क्या होंगी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होगा, ये सारा काम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कर रहे थे, डिफरेंट कमर्शियल टेक्निक्स के थ्रू हो सकता है, उसमें डिफरेंट नाम आपको मिल जाएंगे, वी कैन लुक एट इट एज सच। लेकिन खैर, इस कोर्स में हम जीन प्रेडिक्शन पे काम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिस्कस्ड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अच्छा, फिर आप आ जाएं सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ये स्पेसिफिक काम होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के थ्रू। अगेन आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर देखो, सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस इज नथिंग बट हिस्टोडीन, वेलिन, लाइसिन, ठीक है, एंड सो ऑन, सीरीन, टायरोसिन एसेट्रा। तो ये सारे जो नाम आपको यहाँ लिखे हुए मिल रहे हैं ना, दीज आर नेम ऑफ एमिनो एसिड्स और ये इकट्ठे जुड़े हुए हैं, सो दिस इज आवर बेसिक प्रोटीन सीक्वेंस। वो इससे स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमने प्रेडिक्ट करना है जस्ट फ्रॉम द सीक्वेंस इटसेल्फ। अगेन समथिंग जो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, हमें स्ट्रक्चर रिलेटेड फिलहाल काम नहीं करना। अच्छा, अब दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के पहले फेज में करना था, ठीक है, विच वॉज काइंड ऑफ सेइंग के अगर आपको दो टेक्स्ट गिवन हो, ठीक है, एंड यू वांट टू से कि इन दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है, व्हाट इज द चांस कि ये दोनों जो है वो सेम ओरिजिन से, सेम सोर्स से ये छापा लगाया गया है, इनकी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, एंड दैट थिंग इज बेसिकली कॉल्ड होमोलॉजी इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम। होमोलॉजी स्टैंड्स फॉर ऐसे दो टेक्स्ट, ऐसे दो जीन्स जो कि सेम जगह से छापा लगाकर लिए गए हैं, उनका सोर्स सेम है, अगर ये ट्रू है तो होमोलॉग्स कहलाएंगे। ऑफ कोर्स इन केस ऑफ बायोलॉजी वी कैन नेवर बी 100% श्योर, लेकिन हम स्टिल वी कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू जीन्स, दीज टू प्रोटीन्स आर होमोलॉगस, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज समथिंग जो कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में एक्चुअली कर चुके हुए हो, बट वील कंटिन्यू उसको, मैं सिर्फ आई विल जस्ट गिव यू द राइट वर्ड्स एंड नोटेशंस। अच्छा, हाउ डू यू अलाइन टू सीक्वेंसेस टू गेट द करेक्टर बाय करेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन देम, इसको हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलाइन किया हुआ दिस सीक्वेंस वर्सेस दिस इज अ सीक्वेंस, और उसकी लोकल अलाइनमेंट बनाई हुई है, एक लोकल अलाइनमेंट हो सकती है, ग्लोबल अलाइनमेंट हो सकती है, ये भी हम बहुत डिटेल में देख चुके हुए हैं। और अब पहले आप डेटा यूज कर रहे थे फ्रॉम असाइनमेंट, योर ओन टेक्स्ट, समथिंग इन हियर, द डेटा दैट वी आर गोइंग टू यूज, और इस पे आपका क्विज भी था इफ यू रिमेंबर, इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोटाइड डेटा, जो इस एग्जाम्पल में है, यू कैन सी हियर दिस इज फाइव, मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, इट हैज मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव अ 5 प्राइम एंड अ 3 प्राइम एंड, ठीक है, और उसको मैच भी आपने 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड करना है, मतलब बेसिकली लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, तो वो आप डिक्टेट कर सकते हैं कि 5 प्राइम यानी लेफ्ट टू राइट है या 3 प्राइम जो है वो राइट है आपका, तो इस तरह से कर सकते हैं। खैर, दैट इज देयर, लेकिन हमारे लिए अगर हम सिंपल इसको टेक्स्ट के तौर पर लें तो ए सी टी ए सी टी ए जी ए सो ऑन मैचेज विद टी ए सी टी, और ये मैच कर रहे हैं, बाकी जगहों पे गैप्स है, गैप है या मिसमैचेस, फॉर एग्जांपल टी एंड सी इज अ मिसमैच हियर, ठीक है, और यहाँ पे गैप जो है उन्होंने कहीं इंसर्ट नहीं किया, बट एट द स्टार्ट वी कैन हैव अ गैप हियर। लोकल अलाइनमेंट में यू ओनली मैच स्पेसिफिक पोर्शंस, दिस इज अ मैचिंग पोर्शन, ग्लोबल में यू मैच द होल प्रोटीन विद द होल प्रोटीन और होल जीन विद द होल जीन। इन दिस केस आप देख सकते हो कि फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हमने मैच किया है, और बीच में जहां जहां मिसमैचेस से या मिसमैचेस से मिसमैच ही रिप्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट टी एंड ए इज अ मिसमैच, तो ये इकट्ठे लाइन हुए हुए हैं, अलबत्त बाकी जगहों पर गैप्स आ गए हैं। सो दिस इज द लोकल अलाइनमेंट वर्सेस ग्लोबल अलाइनमेंट, ये भी हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इट्स जस्ट अ डेटा दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर अस। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स है वो क्या है, मतलब आप कहते हैं ना कि जब हम छापे की बात करते थे तो एक ने दूसरे का छापा लगाया, दूसरे ने तीसरे का लगाया, तीसरे ने चौथे का लगाया, तो इसमें इट हैज टू अकर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वो ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एट टाइम्स।
इस वजह से कि अगर हमें ये पता हो, फॉर एग्जांपल इस अगर यहाँ आपको ये जो नज़र आ रहा है इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि चिंपैंजी इज मोर क्लोज टू माउस, इन दोनों ये दोनों जो हैं ये इनका छापा बहुत रिसेंट छापा है. इफ़ यू गो बैक तो वो छापा जो है वो और पुराना होता जा रहा है, ठीक है. एज यू गो बैक डाउन द ट्री द छापा गेट्स ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर. तो इसमें हमें क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर एक चीज़ लेट से हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ को, तो और वो डिजीज़ हमें उसकी जो जीन है उसके जो सिम्टम्स हैं उसके जो अकरेंस है वो हमें नज़र आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इन 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 लिजर्ड, ठीक है, तो देन वो डेफिनेटली क्रोकोडाइल में भी होगा, वो पिजन में भी होगा, वो माउस में भी होगा और चिंपैंजी में भी होगा, क्योंकि ये सारे हम ह्यूमंस के मोस्ट क्लोज हैं, हम हमारे सबसे करीब ये हैं, तो हमारे करीब वालों में तो होना चाहिए ना. लेकिन हो सकता है सलेमेंडर में ना हो सकता है पर्च में ना हो, सकता है लैम्प्रे में ना हो. लैम्प्रे इज बाय द वे अर्थवॉर्म, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी कि किस पे हम टिपिकली जितने एक्सपेरिमेंट्स माउस पे करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज माउस इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. वो क्यों है इसी लेक्चर में नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में हम देखेंगे. बट फाइलोजेनी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज फाइलोजेनी टेल्स अस कि जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है वो क्या है, और इसका मतलब ये है कि हमारे लिए किस लेवल तक जाना जरूरी है टू वेरीफाई और टू डिसरिगार्ड अ पर्टिकुलर थिंग. COVID-19 फॉर एग्जाम्पल आया हुआ है, COVID-19 ही की बात कर ली जाए तो उसके जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं यू विल प्रोबेबली परफॉर्म इट फर्स्ट ऑफ ऑल इन इन मे बी माउस. क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हैं उसके एंटीबॉडीज, उसके एंटीवायरसेस, उसके एंटी जो भी आप ड्रग्स इन्वेंट करेंगे, सबसे पहले आप माउस में उसको टेस्ट करेंगे. माउस के बाद अगर माउस में सक्सेसफुल हैं फॉर साइड इफेक्ट एंड एवरीथिंग, फिर आप उसको मे बी चिंपैंजीज में लेकर आओ. चिंपैंजीज में सक्सेसफुल हो क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद आप जाके ह्यूमन में उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे. बिफोर डैट अभी जितनी क्लोरोक्विन और दूसरी दवाइयाँ ये बता रहे हैं, दीज आर नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वी नेवर नो. आज वो कहते हैं इनके हमने एक ग्रुप पे टेस्ट किया पॉजिटिव आए हैं इसके इफेक्ट्स, ठीक है. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आफ्टर 2 months, 3 months, 4 months एक ग्रुप दूसरा उठ के कह दे कि नहीं जी इसके तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट्स भी हैं. तो इसीलिए कोई भी दवाई जो डॉक्टर्स हैं वो फौरन से आपको नहीं देते, एक्चुअली अप्लाई इट ऑन फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और फिर हमें वो जो है वो इंसानों में उसको वो दी जाती है क्लिनिकली. इट्स वेरीफाइड एंड देन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टू पेशेंट्स इन ह्यूमंस. क्लियर है फाइलोजेनी क्या है? यस सर. अच्छा ये आप उसका प्रोजेक्ट का फोर्थ पोर्शन मोर लेस ये फाइलोजेनी ही होगी, ठीक है. सो दिस इज समथिंग जिसपे ऑफ कोर्स वील हैव अ प्रॉपर डिटेल टू लेट्स से टू लेक्चर्स इन द कमिंग वीक्स. तो ये बहुत डिटेल में हमने इसमें जाना ही है एनीवे. अच्छा फिर ये है कि आपने दो सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट देखी है, यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड टू मल्टीपल सीक्वेंसेस और उसको हम कहते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिस तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल शो हुई है. और दिस इज इंपॉर्टेंट इन फाइलोजेनी. फाइलोजेनी जो है वो कंस्ट्रक्ट ही मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से होती है. एंड जब हम फाइलोजेनी देखेंगे आई कम टू इट कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कैसे बनती है और उससे फाइलोजेनी कैसे बनती है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप एंड हाउ डज इट वर्क. अच्छा सो इन शॉर्ट अगर इस सारी चीजों को मैं समराइज करूं, वी कैन करेक्टराइज दीज प्रॉब्लम्स इनटू दीज क्लासेस. फर्स्ट इज डेवलपिंग न्यू मेथड्स फॉर हायर एक्यूरेसी, फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग मशीन लर्निंग, बाय अप्लाइंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, बाय अप्लाइंग क्लस्टरिंग टेक्निक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द सेकेंड वे इज बाय डेवलपिंग एफिशिएंट बट पॉसिबल इनएक्यूरेट मेथड्स, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. हम ऑलरेडी ह्यूरिस्टिक मेथड्स में देख चुके हैं डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स. एंड फाइनली आप एग्जिस्टिंग नॉन कंपटीशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो ऑन अ डिफरेंट डेटा सेट टू लर्न अबाउट दिस डेटा. मजे की बात यह है कि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स को जानते हो. एंड वंस यू हैपन टू नो द बायोलॉजिकल डेटा एंड कम अप विद द प्रॉब्लम, हो सकता है आप उस प्रॉब्लम के अंदर वो टेक्निक अप्लाई कर दो जो उससे पहले किसी ने अप्लाई ना की हो. फॉर एग्जाम्पल एनसेंबल लर्निंग टेक्निक है, ठीक है. आई हैव नॉट सीन एनी वन एक्चुअली यूज इट इन सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रॉब्लम एंड वी कैन ऑलवेज यूज इट. आप मल्टीपल जो टेक्निक्स हैं उससे आप अलाइनमेंट करो. अलाइनमेंट में जो पूरा ग्रुप जिस साइड पे मूव कर रहा है उसी अलाइनमेंट को फाइनल अलाइनमेंट कर लो. डेट इज़ वन वे. तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप में से जो एनसेंबल लर्निंग एनसेंबल
उसको क्लासिफिकेशन टेक्निक को जानते हो, एनसेंबल ऑप्टिमाइजेशन को जानते हो बेसिकली, वो इजीली उस टेक्निक को उठाकर यहाँ पे अप्लाई करें एंड दे कैन कम अप विद देयर न्यू विद द न्यू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, उसकी ऑफकोर्स आपको एक्यूरेसी मेजर करनी पड़ेगी उसकी, उस पर आपको रिजल्ट जनरेट करने पड़ेंगे, डेटा सेट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन फॉर बाय यू गाइज एज एज अ प्रॉपर रिसर्च प्रॉब्लम एंड यू गाइज विल हैव एक्सीलेंट ग्रास्प ऑन द कंप्यूटर साइंस पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू स्किप फॉर नाउ एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. हम जो सारा काम कर रहे हैं वो हम सीक्वेंस एनालिसिस पे कर रहे हैं और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एल्गोरिथम डेवलपमेंट पे कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस टू पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अच्छा, डेटाबेसेस जो हैं वी लर्न हाउ टू यूज देम इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊंगा कि डिफरेंट डेटाबेसेस कौन कौन से हैं जहां से हम सीक्वेंसेस निकाल सकते हैं और उन सीक्वेंसेस को निकालने के बाद हम किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे. वी विल सी एनसेंबल, वी विल सी NCBI. ठीक है, जीन का डाटा, प्रोटीन का डाटा, एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर वी कैन गेट इट फ्रॉम देयर. तो वो नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन आप ये देख लो कि हमने इस कोर्स में कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी है या पढ़नी है. सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर श्योर. सीक्वेंस अलाइनमेंट आप कर चुके हुए हो. जीनोम कंपैरिजन हमने नहीं किया, बट दिस इज अगेन काइंड ऑफ वेरी सिंपल. जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हो उसमें डिसिमिलैरिटी निकालो और उसकी इंफॉर्मेशन निकालो. सो दिस इज समथिंग दैट विल बी डन और दैट कैन बी इजीली डन. जीन एंड प्रोमोटर प्रेडिक्शन हम नहीं कर रहे, बट दिस इज वेरी सिंपल एज वेल. स्पेसिफिक है मोटिव डिस्कवरी आप लोगों को नहीं आती एट द मोमेंट, बट वी कैन लुक एट इट एट अ लेटर स्टेज आई थिंक. देन इफ यू टॉक अबाउट फाइलोजेनी, फाइलोजेनी हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं इस कोर्स में. फंक्शन एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस बहरहाल इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट इफ समवन इज इंटरेस्टेड रियली इन गोइंग इनटू बायोइनफॉर्मेटिक्स, तो ये दो पार्ट्स उसमें उसको शायद कहीं ना कहीं एनकाउंटर वो कर ले इनको. सो डोंट लीव देम आउट कंप्लीटली, बट लेट से फॉर अ स्टार्ट लेट्स अस फोकस्ड ऑन सीक्वेंस एनालिसिस. अच्छा, then we have this case study. I'm not going to discuss it in this lecture, probably I'll do it in maybe at a later time. Theek hai, that's more of a motivation. Acha, ek baat jo maine aapse ki thi, maine ye kaha tha ki aapko let's say data chahiye aur maine kaha tha ki hum experiments karte hain, clinical experiments jitne hain wo mouse pe hote hain. So where does this mouse come from? बेसिक इशू ये है कि अगर आप ह्यूमन पेशेंट से डाटा लें, ह्यूमन पेशेंट्स को इन्वॉल्व करें फॉर मेडिसिन एंड फॉर इवन फॉर डिजीजेस, देर आर मल्टीपल इशूज. सबसे बड़ा इशू जो एट द टॉप ऑफ इट है प्राइवेसी रीजंस है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट देयर डाटा टू बी पब्लिश्ड और यूज्ड. ऑफ कोर्स इसमें एथिक्स का मसला है. आप किसी को, किसी भी इंसान को, बी इट फ्रॉम एनी प्लेस, be it any person, उसको कोई बीमारी ना कर सकते हैं ना उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. फाइनली और जो सबसे मेजर मसला है वो ये है कि अगर आप लाइव सैंपल्स भी लें, लेट से फॉर कैंसर, फॉर एनी अदर डिजीज, उसके बहुत लिमिटेड सैंपल्स हैं और एक सैंपल को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम है इट्स ऑल्सो एक्सट्रीम. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ सैंपल फ्रॉम ह्यूमंस. तो इसीलिए हम ह्यूमन पेशेंट्स को यूज नहीं करते इन मोस्ट ऑफ आवर रिसर्च, नॉट डायरेक्टली. ठीक है, वी स्टार्ट नॉर्मली विद मॉडल ऑर्गेनिजम्स. अ मॉडल ऑर्गेनिज्म बाय डिफॉल्ट इज अ नॉन ह्यूमन स्पीशीज दैट इज एक्सटेंसिवली स्टडीड टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फिनोमेना विद द एक्सपेक्टेशन दैट डिस्कवरीज मेड इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म विल प्रोवाइड इनसाइट इनटू द वर्किंग्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, हमने नॉन ह्यूमन स्पीशीज उठानी है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फिनोमेना को पढ़ना है. और वो बायोलॉजिकल फिनोमेना एक्चुअली उस स्पीशीज में भी अवेलेबल हो, एप्लीकेंट हो, और वो बेसिकली उसके बाद के जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी एज इट इज चलता हो, वैसा ही हो. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स इफ आई गो टू देम डायरेक्टली, आई थिंक फॉर एग्जांपल दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स. ठीक है, मसलन अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ बैकबोन. तो
तो उसमें आप डिश है उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए. एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होगा, इट्स काइंड ऑफ वेरी सिमिलर इन ऑल द जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एग्जैक्टली सेम मेथड से होती है या बहुत सिमिलर मेथड से होती है. तो हमने फिश को डेडिकेट कर दिया है क्योंकि फिश जिस दानी रही फिश इज रियली इजी टू कीप, इट्स इजी टू इट हैज अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट एंड इट ग्रोज अप क्विकली एज वेल. तो फॉर ऑल दीज रीजन हम दाने और रेडियो को यूज कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी के लिए. अच्छा ह्यूमन में ये चीज परफॉर्म नहीं हो सकती. सिमिलरली वी कैन यूज फॉर एग्जाम्पल माउस, हाउस माउस फॉर डिजीज मॉडल इन ह्यूमंस. हम डिफरेंट डिजीज, कैंसर का डिजीज, डिफरेंट डिजीज हैं वो हम माउस के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, माउस के अंदर करते हैं. एंड माउस इज बेसिकली अ मैमल, इट्स अ वार्म ब्लडेड एनिमल, इट इज वेरी मच सिमिलर टू ह्यूमन इन लॉट ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स उसके बिल्कुल सिमिलर हैं. ठीक है. सिमिलरली हम फ्रॉग को, अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, इसको हम जिनोपस लेवस कहते हैं ओरिजिनल नेम, और जिनोपस ट्रॉपिकालस भी कहते हैं. उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसमें भी पढ़ पढ़ उसको भी स्टडी कर रहे होते हैं. बट इफ यू गो अ लिटिल फार, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू दिस यीस्ट, यीस्ट के अंदर ये सेकरोमाइसिस सेरेविसाए है जिसमें बेसिकली हम सेल डिवीजन और ऑर्गेनल डेवलपमेंट देख रहे होते हैं. तो सेल डिवीजन, सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस एंड मायोटिक, और उसमें जो डिजीज आते हैं, एरर्स आते हैं, वो हम बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स को म्यूटेट करके हम सेकरोमाइसिस सेरेविसाए के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट जो है वो अर्थ वॉर्म में सी एलिगांस के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं. फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, और जो फ्रॉम अ स्मॉल बेबी टू अ फुली ग्रोन एडल्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो डेवलपमेंट किस तरीके से है, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस. अच्छा अब आप आ जाएं कि बेसिकली इसकी यूजेज कितनी है. व्हेन आई से कि हमारे पास जो है वो हम इन सब को मॉडर्न ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो अभी तक कितना काम हो चुका होगा. ठीक है. इफ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन, द आंसर टू दैट वुड बी कि आप एक मॉडर्न ऑर्गेनिज्म को उठाएं, उसकी सीवी बना लें बैठ के. ठीक है. यानी कि आपने मॉडर्न ऑर्गेनिज्म सेट करना है और उसमें सीवी में आप उससे पूछें कि भाई आप किस किस स्टडी में, किस किस जगह पे, किस किस तरह से यूज हुए हैं. एंड हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक फॉर दिस. ठीक है. This is how a lab mouse कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है. In terms of education, ये इस्तेमाल for example different universities इन्होंने इस mouse को use किया in their studies. Caltech, Oxford, Stanford, Harvard, MIT, Princeton, Cambridge, Imperial and on and on and on and on. वो Nobel prizes जो biology में mouse की studies के ऊपर मिले हैं, if you look at those, यानी कि ये basically mouse को समझे Nobel prize मिला है, 1905 से लेके 2012 तक डिफरेंट जो आपके स्टडीज हैं बहुत सारी वो इन माउस पे बेस्ड थी. ठीक है. ओवरव्यू है. ओवरव्यू इज बेसिकली इन्वॉल्व इन अराउंड 75% ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स. इंटरेस्टिंग थिंग इज इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड फास्ट रिप्रोडक्टिव रेट, विच मीन्स दैट माइस आर मोस्ट सूटेबल फॉर स्टडिंग डिजीज अक्रॉस होल लाइफ साइकिल. जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा हमें डिजीज अकर कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा जो हमने प्रोहिबिट किया है, इनहिबिट करने की कोशिश की, इनहिबिट हुआ है नहीं हुआ है, इफेक्ट क्या हुआ है. ठीक है. 98% ऑफ जीन्स हैव कंपेरेबल जीन्स इन ह्यूमंस. सिर्फ 2% जीन्स ऐसी हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जीन ह्यूमन में नहीं है. तो आपने वो तमाम जीन्स इनको स्टडी करना है जो आप ह्यूमन में स्टडी करना चाहते हैं, उनको माउस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जीन्स मिल जाएंगी. ठीक है. एंड सो ऑन द लिस्ट कंटिन्यूज. किन किन रिसर्च एरियाज में अप्लाई हुआ है. अल्जाइमर डिजीज, एस्थेटिक्स, एड्स एंड एचआईवी. ठीक है. एंटीडिप्रेसेंट, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, बोन एंड जॉइंट डिजीजेस, ब्रेन इंजरी एक्सेट्रा, कैंसर्स एंड कार्डियक अरेस्ट एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो ये बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों में इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. तो दिस इज हाउ मच अ सिंपल हाउस माउस हैज बीन यूज्ड ओवर द पास्ट 120 ऑड ईयर्स. ठीक है. इससे आप अंदाजा कर लो कि ये जेनेटिक्स के अंदर, ये जीन्स के अंदर कितना एक इम्पोर्टेंट एनिमल है. ओके. सो मूविंग बैक, आई थिंक वी विल जस्ट गो टू द समरी हियर. बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंट एवरी ईयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज डायरेक्ट फंडिंग एंड अ लॉट मोर थ्रू अलाइड फील्ड्स. यानी आप यही स्टेटिस्टिक्स में जो स्पेसिफिकली स्पेंड कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ डेट इज अप्लाइड into the
बायोइनफॉर्मेटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अच्छा, अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स जर्नल्स इज रियली हाई. यानी कि टिपिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड गोज एज हाई एज 41. और बाय द वे, कंप्यूटर साइंस में टॉप जर्नल्स हैं, दे हैव समटाइम्स गॉट एन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 3 or 4. तो इट्स समथिंग लाइक बायोइनफॉर्मेटिक्स इज अ मच मोर अकम्प्लिश्ड एंड मच मोर rewarding as well in terms of at least impact factor and in terms of research. Acha, a very important thing jo ki main aap logon ko recommend karta hu, it is basically I really want you to start working this field because this is a relatively new field. Usme bahut zyada aise topics hain jinko hum yahan pe apply karke dekh sakte hain. Jis tarah maine aapko bataya ensemble learning or ensemble techniques maine yahan kahin apply hote hue nahi dekhe, but if someone of you can come up with a technique and apply it for to a particular problem, it can easily be converted to a research topic. ठीक है, Markov chains, HMS, 90s में they were hyped up, 2000s में they had a huge impact in bioinformatics. हर चीज HMM और Markov chains से बन रही थी. This is a topic जो कि हम probably in 2 odd weeks हम पढ़ेंगे. And finally, of course, neural networks, especially convolutional neural networks, are maybe one of the hottest topics of the coming 5 years. आप लोगों में से जो डीप लर्निंग की साइड पे जाना चाहते हैं, जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, दे माइट कम अप एंड अप्लाइड इन फॉर एग्जांपल पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है, और समथिंग सिमिलर. सो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच आई वुड लाइक यू गाइस टू फोकस ऑन. सो दिस इज सिंपली द हॉटेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल फील्ड, एंड विद दैट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. बाकी हम जो है कल से आई विल स्टार्ट ऑफ विद डेटाबेसेस. फ्रेंकली सिंपली हमने ये करना है कि डेटाबेसेस डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, और ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर, कि प्रोजेक्ट में आपको ज़रा डेटा चाहिए. डेटा कहाँ से आएगा, आई विल गिव यू द नेम्स, आई विल टेल यू द IDs फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से उनको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करके उसकी एक फाइल बनाओ, फाइल बनाकर आप उसको एज इनपुट यूज़ करो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर. सो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू डू sooner or later. ठीक है, आर वी क्लियर सो फार? यस सर. यस यस सर, क्लियर. एनी क्वेश्चंस, एनी इश्यूज? क्या था क्यों? नो सर, नॉट येट, नॉट येट. हिना इज आल्सो जॉइंड इन, अब ये नजर आ लेकिन इसका मतलब है कि दो कौन से लोग जो हैं जो नहीं हैं अभी तक, क्योंकि तीन लोग मिसिंग हैं as far as I can see. अख्तर बादशाह is not here, right? अख्तर is here, 200 नहीं, अख्तर नहीं है, सान है, अख्तर नहीं. 2005 is not here and Ariba is not here. ठीक है, मैं आई जस्ट डू दिस वन थिंग, आई डाउनलोड अटेंडेंस राइट अवे. ठीक है, ओके देन, वी मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 9, एंड लेट्स होप नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली डेटाबेसेस से डेटा डाउनलोड करना, डेटाबेस को समझने के ऊपर हम फोकस ज्यादा करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग बायोलॉजिकल डाटा से भी थोड़े फेमिलियर हो जाओ, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. और फिर नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है वी स्टार्ट ऑफ विद फाइलोजेनी, और वो अगेन आप प्रोजेक्ट में यूजफुल है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज नेक्स्ट वीक फॉर फाइलोजेनी ओनली. ठीक है, ओके देन, सी यू टुमारो सेम टाइम. अल्लाह हाफिज.
एहसान छुट्टी नहीं करनी?